देखो जो जनरेटर था ना पिछले वाला जो खराब हुआ था, ये अभी वो वाला जनरेटर खड़ा है यहाँ पर। जो दूसरा जनरेटर आना था ना नया वाला, वो अभी आया नहीं है भाई। जो अपडेट है अभी, जो कल जनरेटर खराब हो गया था उसको चेंज करने गए हैं। जो दूसरा जनरेटर आएगा वो पहले वाला जनरेटर हल्का पड़ा था, दूसरा जनरेटर आने के बाद इसकी साउंड टेस्टिंग होगी। इसकी अभी साउंड टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग शाम को या सुबह को, ये अभी कुछ नहीं। वैसे एक बात तो है, कल तक तो हो जाएगी, कल सुबह तक तो हो जाएगी वैसे, है ना। कल सुबह तक तो फाइनल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक ही जो साउंड टेस्टिंग है उसका कार्य पूरा हो। वैसे इसमें 35 बेस बंद रखी हैं, बेस कैसी आ रही थी? बेस एक नंबर, हम खुद वहाँ बगल हो गए, इतना तगड़ा बेस गिर रहा, मतलब सामने टिक नहीं सकता कोई, सामने कोई नहीं थी। क्या लग रहा है, मेला जीत जाए? हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो भाई फिलहाल अभी बज चुके हैं दोपहर के 2, और जैसे आप सबको पता है भाई हमारे बैक साइड में क्या खड़ा है, सार्जेंट डीजे झारखंड का राजा। तो भाई बहुत से भाइयों के डाउट है भाई, ये सार्जेंट डीजे का जो जनरेटर खराब हो चुका है वो नया आया नहीं आया। तो गाइस इस ब्लॉग में आपको सार्जेंट डीजे की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और भाई ये पता चलने वाला है आपको कि जो टेस्टिंग होने वाली है वो कब होगी, ठीक है। तो भाइयों को पूरे अपडेट देने वाले इस ब्लॉग में, तो गाइस शुरू से लेकर एंड तक देखना। देखो जो जनरेटर था ना पिछले वाला जो खराब हुआ था, ये अभी वो वाला जनरेटर खड़ा है यहाँ पर। जो दूसरा जनरेटर आना था ना नया वाला, वो अभी आया नहीं है फिलहाल। और जो सेटअप है ना भाई, सेटअप तो भाई क्या है, आप सोच सकते हो भाई। भाई झारखंड से हो आप, और अभी क्या अपडेट है यहाँ की? जनरेटर आने वाला है, मतलब शाम को आ जाएगा। और टेस्टिंग कब होगी भाई? परसों को लगेगी भाई, परसों तो पता ना कहाँ से कहाँ पहुंचेगा ये। और बाकी भाई सेटअप देखो, सेटअप तो गाइस एक नंबर जैसे आपको पता है। और फिलहाल जैसे भाई बोल रहे हैं शाम को टेस्टिंग लगने वाली है इसकी, और बाकी जो अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। भाई क्या सीन है यहाँ का भाई? पता नहीं चल रहा भाई, कोई कुछ बोल रहा है पर अभी पक्की अपडेट नहीं है। हाँ जी, क्या हाल है जी? तो ये भाई मिल गए, ये भाई भी यूट्यूबर है हमारे। तो अपना चैनल का नाम बता दो भैया। अशोक द पावर। तो भैया क्या अपडेट है अभी यहाँ की, ये बताओ भाई। जो अपडेट है अभी, जो कल जनरेटर खराब हो गया था उसको चेंज करने गए। जो दूसरा जनरेटर आएगा वो पहले वाला जनरेटर हल्का पड़ा था, दूसरा जनरेटर आने के बाद इसकी साउंड टेस्टिंग होगी। इसकी अभी साउंड टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग शाम को या सुबह को, ये अभी कुछ नहीं। वैसे एक बात तो है, कल तक तो हो जाएगी, कल सुबह तक तो हो जाएगी वैसे, है ना। कल सुबह तक तो फाइनल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शाम तक ही जो साउंड टेस्टिंग है उसका कार्य पूरा हो जाएगा। बिल्कुल जनरेटर शाम को आ जाएगा। अब टावर के लिए जाने के लिए समय बहुत कम बचा हुआ है, कल शाम को निकलना है वैसे भी, है ना। कल शाम को निकलना भी है, होगी जरूर आज रात को। हाँ बिल्कुल हो, लेकिन आज शाम पर होगी जरूर, जब से 12-1 बज जाए पर टेस्टिंग इसकी जरूर होगी रात को कंप्लीट। और बाकी आपने बस्ता हुआ देखा है ये? अभी मैंने बस्ता हुआ तो नहीं देखा, लेकिन भाई आपने देखा किसी ने? देखिए केवल, अच्छा साउंड टेस्टिंग के समय मैं यहाँ नहीं था, क्योंकि लेट नाइट होती है, लेट नाइट काम कर रहे उन्होंने, फिर अगले दिन ही मॉर्निंग में सुबह को टेस्टिंग कर दी। बिल्कुल। तो अभी सब भाई लोग वेट ही कर रहे हैं इसके जनरेटर आने का। जनरेटर कहाँ से आ रहा है वैसे? मेरठ से आ रहा है, कोई जनरेटर इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? जो जनरेटर था ये वाला पहले वाला जनरेटर तो ठीक ठाक था, लेकिन जनरेटर जो डीजे का लोड है वो ज्यादा आया। हाँ जी, जनरेटर हल्का पड़ रहा है, उसके अनुसार वो लोड नहीं ले पा रहा जनरेटर। वैसे एक बात बोलूँ ना, जो ये जनरेटर है ना, ये लाइटिंग के उससे है, लाइटिंग के हिसाब का जनरेटर है ये, छोटा जनरेटर है, सेटअप है बड़ा। लाइटिंग का प्रॉपर तो जला देगा लोड, लेकिन साउंड का जो एम्प लगे हुए हैं वो काफी हैवी एम्प लगे हुए। बिल्कुल हमारे पास जो 12 एम्प जो होते हैं वो थोड़ा लोड कम लेते हैं। बिल्कुल भैया, भाई के पास जो एम्प है वो अधिक पावर के हैं, इस कारण जनरेटर हल्का पड़ रहा है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल करने के बाद दूसरा जनरेटर आएगा, हैवी हमारे साथ 5 केवी का है, वो उसे आने के बाद चार्जर देगी, टेस्टिंग हो पाएगी। बिल्कुल, और बाकी शाम को देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। ये सारे भाई लोग आ रखे हैं भाई साजन डीजे के पास में। भाई आप भी डीजे के साथ ही हो, या डीजे के साथ ही हो आप? देखने के लिए आ रखे हो भाई। अभी टेस्टिंग से पहले देखी नहीं है आपने भी? आज ही आए हो क्या? तो भाई क्राउड देखो, अभी काफी यहाँ पे क्राउड हो चुका है, पर डीजे जो है मतलब जो आपका जनरेटर है वो अभी तक भी नहीं आया यहाँ पे। भाई कौन है जो आ रखे हैं वहाँ से डीजे के साथ? कौन आ रखी? वैसे इसमें 35 बेस बंद रखी है भाई। 35 है, कितनी है? 35 बेस। और बाकी भाई देख लो पब्लिक कैसे बैठी हुई है इसके इंतजार में, कब जनरेटर आएगा, कब टेस्टिंग सुनेंगे। कहाँ से आए हो भाई? मुजफ्फरनगर से। इसके लिए सुनने के लिए आपसे पहले नहीं देखा मतलब कभी ऐसा, या देखा है? नाम सुना है तो अभी आए हो? सेटअप कैसा लग रहा है वैसे, ये बताओ? देखने में कैसा लग रहा है? अच्छा यूट्यूब पे देखा होगा तुमने भी, मतलब कुछ अलग ही है ये आपकी बार यहाँ पे, है ना। तो अभी तो फिलहाल भाई आया नहीं है, जनरेटर वगैरह जो खराब हो रखा है। अच्छा मोनू डीजे जो कर रखा है, कहाँ की पार्टी है? मेरठ की? नहीं मुजफ्फरनगर। अच्छा मोनू डीजे मुजफ्फरनगर से? साल फिर पिछली बार तो पिलखवा के थे हापुड़ के, मुजफ्फरनगर वालों ने। तो मोनू टेस्टिंग तो आज ही है वैसे? आज ही है।
तभी तो टेस्टिंग वगैरह देख के जाओगे आप सब कुछ। अब आए हो तो ठीक है भाई, बढ़िया। और बाकी भाई सेटअप जी आपका अलग ही है कुछ सबके बाढ़ तो ये वाला। चलो भाई यही अपडेट थी आज की जो भी थी। लाल देखो भाई क्राउड हो चुका है काफी यहाँ पे। चलो भाई निकलते हैं, शाम को देखते फिर आके यहाँ पे। अयोध्या से आए हो आप मतलब इसके लिए देखने के लिए स्टार एंड डीजे देखने के लिए अयोध्या से आए हो? कब आए थे भाई? दो दिन से आए हो। तो एक चीज बताओ, टेस्टिंग सबसे पहले देखी थी यहीं की, कैसी थी भाई ये बताओ? जेनुइन होता ना, जेनुइन जो है बेस कैसी आ रही थी? बेस एक नंबर, हमको तो वहाँ बगल हो गए, इतना तगड़ा बेस गिर रहा था। मतलब सामने टिक नहीं सकता कोई, सामने कोई नहीं टिक सकता। क्या लग रहा है मेरा जीत जाएगा? क्या लग रहा है तुम्हें? आयो तो सामने लगने के बाद ही पता चला, अभी मेरठ वालों का हम देखे नहीं कितना क्या बज रहा है, तो ऐसे बोलना ना मेले में तो भाई एक से बड़ा आदमी है यार, मेले में एक से खतरनाक। बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल, देख रहे हैं छोटा सा सेटअप बहुत तगड़ा बज रहा है भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो, आजमगढ़ में देख चुके हैं ऑलरेडी। आजमगढ़ में देख सको इस सेटअप को, ऐसी बज रहा तो सेम। तो चार पांच डीजे वाले से नाम कमा के गया है ये। अच्छा, और यहाँ तो बस देखना कि नहीं भाई, जो जो इंसान वो 1600 किलोमीटर दूर से आया कुछ तो करके जाएगा, कुछ तो सोच के आया होगा भाई। समझ के कमेटी वालों ने भाई को बुलाया है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो होगा, किलोमीटर दूर आया तो भाई तगड़ा ही कुछ करके। और बाकी अभी और बाकी अभी क्या लग रहा है भाई, मतलब जनरेटर जो है कब तक आ जाएगा, क्या लग रहा है भाई? अब लग रहा है शाम तक आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। टेस्टिंग से रात को हो जाएगी 11-12 बजे के करीब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तगड़ा होने वाला है टेस्टिंग। बिल्कुल भाई, जैसे कि अभी आप लोगों ने देख लिया होगा, मतलब जो अभी इसका जनरेटर खराब हो रखा है ना, तो भाई वो अभी तक भी नहीं आया। जब भी आएगा ना मैं आपको अपडेट में बता दूंगा, तभी वीडियो आ जाएगी ना। इसलिए भाई आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और जो भी कुछ पूछना हो ना आपको किसी भी डीजे के बारे में तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? चलो आज की वीडियो में इतना ही था, ज्यादा कुछ तो था नहीं भाई, जो भी अपडेट थी मैंने आपको दे दी। आयोग आपको अच्छा लगा लाइक कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।